गांजा खेत रोड शम्स स्कूल के सामने पिछले कई महीनों से पीने का पानी बह रहा था, जिसकी वजह से रास्ते में काफी तकलीफ होती थी और आने जाने वाले उस पानी से गुजरते थे, जिससे जनता को बहते पानी की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ता था। इसके बारे में जनता ने 2 से 3 बार शिकायत की, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। गांजा खेत के कुछ लोगों ने इसके बारे में समाज सेवक राजा खान को कॉल किया। राजा खान ने जगह पर आकर देखा तो रोड पर पानी बह रहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस मध्य नागपुर के अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी भी गांजा खेत शम्स स्कूल के पास पहुंच गए। OCW के ZM प्रफुल्ल सहारे को कॉल कर सारी जानकारी दी। एरिया इंजीनियर चौधरी को भी बताया गया। दूसरे ही दिन OCW ने अपने कर्मचारियों को भेजकर काम शुरू करवा दिया। 2 दिन में रोड पर बहते हुए पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस मध्य नागपुर अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी, राजा खान, अजहर पटेल, इसराइल अंसारी, फिरोज खान, वाड़ी घरे काका, जावेद बेग उपस्थित। राजा खान और मैं इस वक्त अभी गांजा खेत सलाम भाई फूल वालों की दुकान के बाजू हूँ। यहाँ से मुझे कॉल आया था कि यहाँ पर OCW की लाइन से पानी भरा है, और कई महीनों से पानी भरा था। मैंने जगह पे आके देखा तो सही में बहुत ज़्यादा पानी भरा था। इसके बाद मैंने हमारे मध्य नागपुर अध्यक्ष भाई अरशद सिद्दीकी को बुलाया, फिर हम लोगों ने मिलकर OCW के ZM श्री सारे साहब को कॉल किया, और उन्होंने दूसरे दिन लेबर लगा के काम चालू कर दिया। अब इसके बारे में और जो जानकारी है हमारे मध्य अध्यक्ष भाई अरशद सिद्दीकी देंगे कि यहाँ पे बहुत दिनों से पानी बह रहा था, तो इन्होंने हमको बुलाया, तो हम लोग ZM साहब से मुलाकात लिए, उनसे वो किए, तो तुरंत उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के सर्वे करा के दूसरे ही दिन काम लगाया। काम लगा के उन्होंने उस बीमारी के तह तक पहुंचा, तो उनको वो लिखा कि हमने जो ट्रीटमेंट किए थे उसी में गड़बड़ी मिला, वो उनके पाइन के ज्वाइंट से ही पाइप लीक था। उन्होंने काम किया, यानी तकरीबन उन्होंने 12-14 घंटा कंटिन्यू काम करके बेचारों ने उन्होंने उसको लीकेज के बंद करके अभी माशाल्लाह यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे कहीं भी कीचड़ वगैरह दिख नहीं रहा है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया हो गया है। अब मैं सब करता हूँ। ये गांजा खेत का एरिया है हमारा, हम सब यहाँ दुकानदार है, और ये हमारे को यहाँ पे पानी बह रहा था। ये इतने दिन से बह रहा था, कम से कम 1-1.5 साल से यहाँ से पानी बह रहा था। कई बार हमने कंप्लेन करे, कोई इसका हल नहीं निकला, लेकिन हमने हमारे राजा भाई को कॉल करे कि हमारे एक कॉल पर आए, हमारे सब दुकानदारों की बात इन्होंने सुने, दूसरे दिन इन्होंने काम चालू भी करा दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो भी। नागपुर से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।